बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो पहला सवाल मेरे पास आया है वो है कि स्कार फॉर्मेशन के बाद एपिथीलियम की रीग्रोथ कभी भी नहीं होती। देखो बेटा, बात सारी ये है कि डिपेंड कर रहा होता है कि कितने लेवल का डेप्थ आया है। एपिथीलियम की ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा स्कार टिश्यू बन गया है तो एपिथीलियम की रीग्रोथ नहीं होती, लेकिन ये भी देखा गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कभी कभार हो भी जाती है। तो मतलब डिपेंड करता है, मैं अपनी ही एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक जमाने में मेरा स्किन कट गई थी और काफी डीप कटी थी, और आज तक भी, यानी तकरीबन आप समझ लो ये कोई 35 ईयर्स पुरानी बात मैं बता रही हूँ, अभी तक भी वहां पे स्किन नहीं आई है, मतलब उस पे एपिथीलियम रीग्रो नहीं की हो पाई है। लेकिन कुछ ऐसे जख्म है मेरे जो अच्छे खासे डीप स्किन जल गई थी मेरी, लेकिन उसके ऊपर स्किन की रीग्रोथ और एपिथीलियम की रीग्रोथ हो गई है। तो मैं अपनी ही एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकती हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, क्योंकि वो जो पहला जख्म था जिसमें अभी तक एपिथीलियम नहीं आई है, वो जख्म था जो कि चॉपर के चाकू से कटा था। तो मतलब वो इतना डीप और अच्छा खासा सिवेयर वुंड था कि जब उसके अंदर जो ग्रैनुलेशन टिश्यू बन के जब वो ऊपर तक आया तो वो ग्रैनुलेशन टिश्यू ही रह गया और फाइब्रस टिश्यू रह गया। अब कलर उसका बिल्कुल स्किन टोन के बराबर हो चुका है, नो डाउट कि उसमें अब वो जो ब्लैकनेस थी वो नहीं रही है। अगर आप देखेंगे दूर से तो आपको जो जख्म है और जो स्किन है उसमें इतना ज्यादा फर्क पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि उसके ऊपर एपिथीलियम नहीं आई है, वो ग्रैनुलेशन टिश्यू ही है जो मतलब मॉडिफाइड फॉर्म में मौजूद है, थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, बट एपिथीलियम नहीं है उसके ऊपर। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है ना? था Yes, ma'am. Thank you. ठीक है जी। इसके बाद मरिया आसिम ने सवाल किया है कि फेजेस ऑफ अक्यूट वुंड हीलिंग में रीमॉडलिंग फेज दोबारा एक्सप्लेन कर दें। लेट मी ओपन द पेज फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक मिनट वेट करिएगा जरा। अच्छा, तो इनका काम क्या होता है कि कोलेजन फाइबर्स की प्रोडक्शन कराते हैं और दूसरा काम ये कराते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ले डाउन कराते हैं। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है वो एक स्कार बनता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपने नोट किया होगा कि जब आपको जख्म बना होता है, कोई भी डीप जख्म होता है, उस पे एक लाइट पिंक कलर का फ्लैशी अपीयरेंस आती है और वो जो है अगर आप उसको हाथ लगा दें तो वो टूट जाता है, और जब वो टूटता है तो उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है। नोट किए ये बात कभी मरिया? ये बात आपने नोट की? ठीक है। अच्छा, वो जो होता है वो yes, ma'am. ठीक है, तो वो आपका ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है। अच्छा, अब ये जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है ये बन रहा है, पीछे से फाइबर्स भी आ रहे हैं, और अच्छा फाइबर्स का काम क्या है, जख्म के अंदर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ताकि जख्म जैसे ही अभी टूट गया, टूटने से आपने उसको स्किन को रिमूव कर दिया तो उसके नतीजे में ब्लीडिंग हो गई, फाइब्रस टिश्यू जब आ जाएगा, फाइब्रोसिस प्रॉपर तरीके से हो जाएगी तो उसके बाद ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो अब उस चीज को लाने के लिए आपके फाइब्रोब्लास्ट काम करते हैं। तो अब होता क्या है कि जब जख्म आपने नोट किया होगा, जब हील हो जाता है तो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, अपनी जो नॉर्मल स्किन का जो लेवल होता है उससे उभरा हुआ जख्म हील होता है। नोट किया ये बात आपने? यस मैम। फिर अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जख्म जो है वो आपकी स्किन लेवल पे आ जाता है वापस से बराबर। तो अब ये क्या हो रहा है कि जिस टाइम पे इन्फ्लेमेशन हुई थी या जो जख्म बना था उसमें एक्स्ट्रा टिश्यू, बहुत सारे फाइबर जमा हो जाने की वजह से वो जख्म जो है वो स्किन लेवल से ऊपर आ जाता है। अच्छा, अब ये जो काम है ना, जो वुंड रीमॉडलिंग का जो काम है, वो बेसिकली ये है कि वुंड को क्लोजेस्ट टू द नॉर्मल की तरफ लेकर आना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जख्म बना, बहुत सारे सेल्स थे और बहुत सारे फाइबर्स भी जमा हो गए, अब जितनी जरूरत थी उतने यूटिलाइज होंगे, बाकी सबका क्या होगा, एपोप्टोसिस के जरिए से फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। जब एक्सेसिव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स खत्म होंगे तो फाइबर फॉर्मेशन रुक जाएगी और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वुंड का स्किन के बाहर निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि कोलेजिनेज एंजाइम रिलीज होता है मैक्रोफेजेस से, और वो क्या करता है कि जितना भी आपका एक्सेसिव फाइबर होता है वो
उसको डिसॉल्व कर देता है और जितना भी टिश्यू डेब्रिस होता है उसको खा जाता है। अब उसको खाने के बाद क्या होता है कि जख्म आपका देखें, अगर आप इस जख्म को ही देखें यहाँ और इसमें फर्क है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स भी कम होना शुरू हो गए हैं और जो टिश्यू डेब्रिस है वो भी खत्म होना शुरू हो गया। बेसिकली ये काम करके जब वो रिट्रैक्ट होके अपनी स्किन की लेवल पे दोबारा आ जाता है, दिस टाइप ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज वाउंड रीमॉडलिंग। समझ में आ गई बात? ओके मैम, थैंक यू। ऑल राइट, अच्छा इसके बाद एक और शायद क्वेश्चन आया हुआ है, सिद्रा अहमद पूछ रही है सेल साइकिल में एस फेज सिर्फ लेबाइल सेल्स में होती है, तो अगर दूसरे सेल की सेल साइकिल होगी तो उसमें ये फेज स्किप हो जाएगा क्या? है सिद्रा अहमद, काइंडली ये दोबारा से आप बताओगी मुझे बेटा? यस मैम, जैसे मैम आपने बताया कि एस फेज के अंदर जो ये वाली जो फेज है लेबाइल सेल में होती है, तो अगर दूसरे सेल में आपने ये भी बताया, आपके नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, एक मिनट ठहर जाओ मैं आपको सेल जो होते हैं। नहीं नहीं, ये आपने गलत समझा है, मैं आपको समझाती हूँ, ठहरे। देखो बेटा, ये जो सेल साइकिल की बात की थी ना हमने, सिद्रा आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? सिद्रा या नेट चला गया इनका? सिद्रा आई कांट हियर यू। यस मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये सेल साइकिल है, ये नॉर्मल सेल साइकिल है बेटा, इसके अंदर ये अगर तो किसी सेल ने सेल साइकिल करनी है तो एस फेज उसमें जरूर होगा। समझ में आ रही है? हम बात ये कर रहे हैं कि सेल साइकिल का जो एस फेज है वो या तो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स में होता है या लेबाइल सेल्स में उस वक्त आता है जब उनकी डिवीजन की जरूरत होती है, अदरवाइज मौजूद नहीं होता। जो आपकी जो परमानेंट सेल्स होते हैं, अगर कभी वो भी सेल साइकिल में होंगे तो उसमें भी एस फेज मौजूद रहा होगा, लेकिन चूंकि अब ये किसी भी सूरत से सेल डिवीजन में दोबारा एंटर नहीं होते इसलिए इनका एस फेज खत्म हो जाता है। स्टेबल सेल जब भी सेल साइकिल में आएंगे उनमें एस फेज आएगा, और कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स तो क्योंकि मुस्तकिल डिवाइड कर रहे हैं तो उनके अंदर तो एस फेज के बगैर तो काम ही नहीं है ना, एस फेज नहीं होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, सेल डिवीजन होगी कैसे, बोलो आप। यस मैम, ओके मैम, यही सवाल था ना आपका? यस मैम, यही था। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है आई गेस खुशबख्त का। खुशबख्त कह रही है कि इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन लेक्चर ऑफ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स कॉम्प्लीमेंट में अपने टू पाथवेज यानी क्लासिकल ऑल्टरनेटिव बताए थे, उसमें आपने ऑल्टरनेट की एक्टिवेशन माइक्रोब बताया था बट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लेक्चर में मेंशन है कि माइक्रोब क्लासिकल पाथवे स्टार्ट करता है, प्लीज क्लियर दिस। ऐसा कुछ कहा है मैंने? मुझे याद नहीं पड़ता, एक मिनट ठहरे, हम इसको अभी कंफर्म कर लेते हैं। हो सकता है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, लेकिन जो क्लासिकल पाथवे है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये हमारा जो नहीं 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 ये अगर मैंने गलती से बोल भी दिया होगा बेटा खुशबख्त तो ये मैंने गलती से बोला होगा। यूजुअली जो है जो मैंने आपको पहली दफा में बताया था ना, ये देखिए, या आप ये देख सकते हैं ये सेल ऑल्टरनेटिव पाथवे है जो कि माइक्रोब से शुरू हो रहा है और क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से क्लासिकल पाथवे शुरू हो रहा है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैंने इसको माइक्रोब से बोला है कि स्टार्ट होता है। यस मैम, अभी वो गलत बोला होगा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। मैं अभी पिछले दिनों अपना एक लेक्चर देख रही थी तो वो तेजी में मैंने कुछ उल्टा बोल दिया था, हो सकता है कि इस तरह से कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन बेसिक जो बुक में जो लिखा हुआ है वो यही पाथवे है कि ऑल्टरनेटिव पाथवे जो है वो माइक्रोबियल सरफेस पॉलीसैकेराइड स्टार्ट करवाते हैं और क्लासिकल पाथवे जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करवाते हैं। सही है? ओके मैम, थैंक यू मैम।
ऑल राइट, सानिया मुश्ताक पूछ रही है प्रोटो ऑन्कोजीन्स फिर से बता दें या ये कैंसर कैसे कॉज करते हैं ये बता दें। देखो प्रोटो ऑन्कोजीन्स सानिया बेसिकली एक वो जीन्स हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करती हैं, समझ आ गई? ठीक है, चूंकि ग्रोथ एक आप समझ लो कि ग्रोथ बेसिकली कैंसर का एक फीचर है, इस वजह से इसको प्रोटो ऑन्कोजीन बोल दिया गया। वजह उसकी ये है कि कभी जब ये ऑन्कोजीन नहीं होता, असल में होता क्या है कि नाम किस तरह से रखे जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर की रिसर्च हुई, कैंसर की जब रिसर्च हुई तो जो जीन हाथ आई जिसने कैंसर प्रोड्यूस किया वो उसको ऑन्कोजीन कह दिया। बाद में पता चला कि ये तो नॉर्मल फंक्शन भी परफॉर्म करती है, ठीक है, तो लेकिन उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी हो जाने के नतीजे में जो है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होती है, तो फिर उसका नाम उन्होंने प्रोटो ऑन्कोजीन कर दिया। हालांकि नाम कुछ और होना चाहिए था, बेसिकली ग्रोथ फैक्टर जीन बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। सो प्रोटो ऑन्कोजीन बेसिकली इज द जीन दैट इज प्रोड्यूसिंग ग्रोथ फैक्टर्स फॉर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ मैकेनिजम्स ड्यूरिंग इंजरी एंड रिपेयर एंड इन्फ्लेमेशन। यहां तक भी बात क्लियर हो गई आपको सानिया? यस मैम। ठीक है, तो अब होता क्या है कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स पे वो वही वाली बात है कि अगर तो कोई रेडिएशन हो गई या कोई वायरस आ गया या किसी भी किस्म का ऐसा कोई कैंसरस, मतलब आपने जो प्रो कैंसरस सब्सटेंस है वो आपने बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके नतीजे में अगर किसी भी वजह से किसी भी प्रोटो ऑन्कोजीन की म्यूटेशन हो जाती है एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, अगर वो म्यूटेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में आपको जो 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 प्रोटीन्स मिलते हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करवा देते हैं, और वो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है वो कैंसर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जीन में कोई म्यूटेशन आती है तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, वो जीन जो कि कैंसर बना सकती है। क्लियर है ये बात? ओके मैम, यही सब कैंसर नहीं बनाएगी तो फिर वो नॉर्मल जीन होगी। हाँ, वो नॉर्मल जीन अगर कैंसर नहीं बना रही है तो वो नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर्स बना रही है जिनकी रीजनरेशन और रिपेयर में जरूरत पड़ती रहती है। Okay, कह रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है, कोई और सवाल है? हाँ जी पूछें बेटा, कोई और सवाल? टाइप कर दें अगर कोई चीज है पूछनी है या मुंह से बोल दें, मतलब मुझे सवाल बता दें, कोई और चीज पूछनी है तो पूछ लें। मैम, टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो फॉर्म हो रहे थे वो हमारे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का कॉज हो सकते हैं? दोबारा से बोलिएगा एक दफा, मेरा थोड़ा वो स्पीकर खराब है, दोबारा बोले। मैम, टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो आपने बताए थे लास्ट लेक्चर में, मैम वो हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का रीजन हो सकते हैं? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का रीजन नहीं हो सकते। बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर किसी भी किस्म का कोई एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन चल रहा है तो वहां पे ये पाए जाएंगे, समझ में आ रही है? बेसिकली दीज आर दी समझ लो कि अगर यहाँ कहीं पे ये पाए जा रहे हैं तो दैट मीन्स वहां पे कोई एबनॉर्मैलिटी चल रही है। सही है, एक मिनट ठहरे, मैं वो पिक्चर निकालती हूँ। नहीं नहीं, मैं वो एक मिनट ठहर जाए, मैं पिक्चर निकालती हूँ। ये मैंने कहाँ पे पढ़ाया था आपको बेटा, मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराओगी? ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, कौन से टॉपिक में था ये? मैम लेक्चर नंबर 27 था, इट वाज अबाउट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आई गेस। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन था, एक मिनट, मैंने पिक्चर बनाई थी ना, एक मिनट ठहर जाए। ये वाली पिक्चर थी ना जिसकी आप बात कर रही हो? जी मैम जी। हाँ तो देखो यहाँ पे हाँ ये आप क्या कह रही हो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा ये? मैम ये उसके रीजन हो सकते हैं कि हमारा ऑटो इम्यून जो हम डिसऑर्डर हमारे होते हैं? नहीं नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बेसिकली ये मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है ये। आप देखो ना कि अगर ये टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहाँ पाए जा रहे हैं,
हाशिमोटो थायरोइडाइटिज्म में पाए जा रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पाए जा रहे हैं, और हेलिकोबैक्टर पाइलोराय इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर में पाए जा रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ हुआ है वहां पे ये मौजूद होंगे। दीज आर नॉट द कॉजेज, दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। क्लियर है ये बात? जी मैम। सही है, मतलब दीज आर नॉट बेसिकली द रीजन, दीज आर द मतलब क्या कहना चाहिए आप उसको, कह सकते हो कि कोई भी डिजीज होने के बाद जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न बनता है ना कि भाई कौन से कोई सेल्स मौजूद होंगे, कहते हैं ना कि जी फलानी चीज मौजूद थी जिससे हमने डायग्नोस किया कि ये डिजीज हुई थी, ठीक है ना। तो बेसिकली दीज आर, दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, आप इस तरह कह सकते हो कि अगर आपने हिस्टोलॉजी की है और आपको ये उस वहां पे जो है टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन्स मिल रहे हैं तो दैट मींस कि यहाँ पे जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ हुआ था। आप समझ आई बात? जी मैम। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद सवाल है हनाता का कि एंजियोजेनेसिस सिर्फ बडिंग के प्रोसेस से होती है। जी हाँ बिल्कुल, जो आपको पिक्चर दिखाई थी ना मैंने, मैं आपको एक एटलीस्ट शेयर करती हूँ, ठहरे सबर करें। देखो किसने पूछा है, ये हनाता ने पूछा है ना, एंजियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ना बेटा, अगर आप ये देखो, ये देखें, ये आपके जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है वो बेसिकली यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया बनाता है और फिर इस तरह से बडिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है एंजियोजेनेसिस होती है। बिल्कुल इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कहीं और से ब्लड वेसल आके नई वेसल के साथ ज्वाइन नहीं करेगी, आपकी हर सूरत में जो पुरानी ब्लड वेसल्स ऑलरेडी वहां मौजूद है वही बड करके जो है वो एंजियोजेनेसिस होगी। आपका आंसर हो गया हनाता? थैंक यू मैम। ऑल राइट, एक्सुबरेंट ग्रैन्युलेशन भी बता दें। एक्सुबरेंट ग्रैन्युलेशन का मतलब प्राउड फ्लैश होता है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसकी मेरे पास, मेरे ख्याल है आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई है ना इस वाली प्रेजेंटेशन में, एक मिनट ठहरे। एक्सुबरेंट ग्रैन्युलेशन बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल एपिथीलियलाइजेशन है ना, ये आप पिक्चर देखें, अगर ये वाली जो पिक्चर है इसमें आप देखें कि स्किन यहाँ पर है, ये जो अपर बॉर्डर है ये मार्क हुआ हुआ है और ये लोअर बॉर्डर मार्क हुआ हुआ है, इसके दरमियान में आप देखें कि ये जो गोश्त है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब ये जो बाहर की तरफ गोश्त निकला हुआ है ना, ये क्या करेगा कि आपकी जो स्किन है इसको यहाँ से एपिथीलियम को यहाँ से और यहाँ से आके एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देगा। तो बेसिकली एक्सुबरेंट ग्रैन्युलेशन क्या कर रहा होता है कि वो गोश्त जो पहले पुराना जो आपका जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है ना, वो जो इनिशियली अंदर की तरफ होना चाहिए थोड़ा सा उभरेगा, लेकिन दोबारा से बाद में जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो वो रिट्रैक्ट कर जाएगा इन बाय द प्रोसेस ऑफ वुंड रिट्रैक्शन। ये पूरा जो वुंड रिट्रैक्शन और वुंड रीमॉडलिंग का जो मैकेनिज्म है ये एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके नतीजे में जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है ना वो ना तो अपनी मेच्योर स्टेज पे पहुंचता है और ना ही वो रीमॉडलिंग के थ्रू जो है वो छोटा होता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो स्किन की जो लेवल्स हैं उनसे बाहर निकल जाता है। तो जब वो स्किन के लेवल से बाहर निकल जाता है तो उसके वजह से क्या होता है कि आपके दोनों तरफ से जो एपिथीलियम ग्रो करके उस वुंड को ऊपर से कवर करती वो चीज नहीं हो पाती, तो इस वजह से इसको एक्सुबरेंट ग्रैन्युलेशन कहते हैं। और अगर वुंड हीलिंग के बाद अगर प्राउड फ्लैश या एक्सुबरेंट ग्रैन्युलेशन हुआ हुआ है तो यूजुअली सर्जरी करके उस पोर्शन को निकाल के फिर नए सिरे से इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होता है ताकि रिपेयर हो सके। इज दैट क्लियर शारका? यस मैम। था ना कि जी प्रोटीन कपल के थ्रू करते हैं, लेकिन फिर आपने बाद में बोला था कि वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की फैमिली में वो करते हैं, तो ये हाँ, वो अलग है, वो अलग है, तो सरफेस रिसेप्टर में थ्रू जी कपल नहीं होंगे। नहीं देखो, सरफेस रिसेप्टर में दो तीन तरीके के होते हैं ना, जैसे एक तो हमने बात की थी ना कि एक मिनट ठहरे, मैं आपको वो पहले पेज खोल लूं फिर मैं आपको बताता हूं, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, ये देखिए आप
आपका सवाल आप पूछें शाफिया, क्या पूछ रही हैं मैम? ये सरफेस रिसेप्टर्स में इंट्रिंसिक काइनेज रिसेप्टर्स आपको बताए थे, इसमें बताया था आपने कि ये 3 डोमेन्स हैं और ये जी कपल प्रोटीन के थ्रू वर्क करेंगे। नहीं ये नहीं, वो फिर मैंने बाद में आपको करेक्शन भी बता दी थी, क्योंकि आगे जाके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की पूरी फैमिली अलहदा से थी ना, तो इसमें जो है बेसिकली ये है कि सिंगल या डबल चेन, डबल प्रोटीन चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी है, यानी या तो ये सीरीन या थ्रियोनीन जो मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड है, इसके ऊपर फॉस्फोरिलेशन कराते हैं तो उसको सीरीन या थ्रियोनीन काइनेज रिसेप्टर एक्टिविटी कहते हैं, और अगर टायरोसिन के ऊपर कराते हैं तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एक्टिविटी कहते हैं। या तो सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है या टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका एक पोर्शन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन होता है, एक जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, और तीसरा जो होता है वो इंट्रा सेल्यूलर डोमेन के तौर पर काम करता है, ठीक है जी। यही सवाल था या कुछ और पूछना चाह रही हैं आप? मैम यही था, ठीक है। अच्छा, किसी ने अपने मतलब क्वेश्चन को टाइप किया है, किसी और का कोई सवाल है तो बताइए मुझे। अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन है आपके पास? यस जी। मैम ये जो ग्रैन्यूलोमा बनता है, मतलब मिसाल के तौर पर जब एक कोई इंफेक्शियस एजेंट आया और उसने जो है इंफेक्शन कॉज किया, टिश्यू डैमेज हो गया, अब उसके अराउंड ये बनता है जी, बिल्कुल। तो उस डेड टिश्यू के अराउंड ये ग्रैन्यूलोमा बन गया और ये काफी अरसे तक बॉडी में रहता है, तो मैम जब अगर हमने इसको रिमूव करना हो तो कैसे हो सकता है? देखो आप, अब पहले मुझे ये बताओ कि आप फॉरेन बॉडी ग्रैन्यूलोमा की बात कर रहे हो या जो डिजीज ग्रैन्यूलोमा है उसकी बात कर रहे हो? मैम दोनों को, दोनों के बारे में बता दीजिए। देखो भाई, अगर आपका जो ग्रैन्यूलोमा है फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनिज्म किसी की वजह से हुआ है, देखो ये तो आपका ग्रैन्यूलोमा बनने का तो एक ही तरीका, जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रल डेड टिश्यू हो जाता है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा डेड टिश्यू हो, जैसे हमने बात की थी फॉरेन बॉडी ग्रैन्यूलोमा में डेड टिश्यू बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू योर इम्यून ग्रैन्यूलोमा, ठीक है जी। तो इम्यून ग्रैन्यूलोमा जो हो गया उसके अंदर ऑर्गेनिज्म जरूर होगा, डेड टिश्यू जरूर होगा। अगर तो ग्रैन्यूलोमा किसी भी किस्म की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा, कोई साइन सिम्टम्स क्रिएट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली उसका मतलब है कि वो अनसीन पड़ा हुआ है। तो अगर तो अनसीन पड़ा हुआ है तो वैसे तो कुछ पता नहीं चलता, आमतौर पे हम कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर तो वो डिटेक्ट हो जाता है तो डिटेक्ट होने के बाद जो पहला काम करना है हमें, वो ये करना है कि जो व्हाटएवर इज द पॉजिटिव एजेंट दैट इज क्रिएटिंग दैट ग्रैन्यूलोमा, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीबी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बैठ के आंखें बंद करके कि ग्रैन्यूलोमा नजर आ गया, पता चला वो ट्रिकोनिमा पैलिडम का वो ग्रैन्यूलोमा बन रहा था, तो ऑब्वियसली जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो ट्रिकोनिमा के ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द ग्रैन्यूलोमा एंड देन यू हैव टू ट्रीट इट, और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है क्योंकि ग्रैन्यूलोमा फॉरन नहीं हो सकता खत्म। दूसरी चीज ये कि ग्रैन्यूलोमा को आप सर्जरी करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो आपकी बॉडी में इंटरनली डीप एम्बेडेड होता है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ ग्रैन्यूलोमा मौजूद है, तो सर्जरी तो नहीं हो सकती, मेडिकल ट्रीटमेंट है, जितना पॉसिबल हो सकेगा उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है जी। फॉरेन बॉडी जो ग्रैन्यूलोमा है उसको देखने की जरूरत है कि वो जो फॉरेन बॉडी है वो कितनी मतलब खतरनाक है, और जो ये जो ग्रैन्यूलोमा बना है ये कितना टिश्यू डैमेज कर रहा है उसको। अगर तो स्किन के ऊपर है अगेन, तो हम उसको फिर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आपने वो पोर्शन हटा दिया या वो फॉरेन बॉडी रिमूव कर दी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रैन्यूलोमा रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन मसला पता है क्या है, ग्रैन्यूलोमा बन रहा है बहुत क्रॉनिक कंडीशन में, ठीक है, वरना अगर आपने टाइमली उन तमाम चीजों को हटा दिया होता तो ये ग्रैन्यूलोमा बनने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन फॉरेन बॉडी को रिमूव कर देने से यूजुअली ऑटो रेसोल्यूशन हो जाता है ग्रैन्यूलोमा का, इज दैट क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल? एनीवन एल्स? मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी, बोले। मैं आपने बताया था कि जो है जब सेल पूरा बन जाता है तो उसके बाद वो जी नॉट फेस में जाके परमानेंट सेल्स में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, तो वो परमानेंट सेल्स में क्यों होते हैं? क्योंकि वो तो एक नॉर्मल कंडीशन से बना है ना, तो उसको स्टेबल सेल में ही जाना चाहिए। और वो कौन सा सेल परमानेंट में जा रहा है बेटा? जी नॉट फेस में जो जा रहा है सेल साइकिल में।
देखो जीनोट फेज में स्टेबल सेल भी जाता है और परमानेंट सेल भी जाता है. आप कौन से वाले सेल की बात कर रही हो? परमानेंट में क्यों जाता है? परमानेंट सेल, देखो परमानेंट सेल का जीनोट में जाने या ना जाने से कोई ताल्लुक नहीं है. परमानेंट सेल की प्रॉपर्टी है कि वो जब फर्स्ट एक दफा जीनोट फेज में चला जाएगा तो उसके बाद वो फिर दोबारा सेल साइकिल में आ ही नहीं सकता. ये परमानेंट सेल की प्रॉपर्टी है, समझिए आप. मतलब ये कि देखो तीन तरह की जो हम सेल्स, ठहरो मैं आपको शेयर करती हूँ. आई गेस मैंने वो पेज खोला हुआ भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठहरे एक मिनट में बताती हूँ. यही वाला था ना, इसी में था ना. हाँ देखो भाई, ये जो आपकी जो सेल साइकिल है ना, बेसिकली इसके चार फेजेस हैं और जो पांचवा फेज है उसको हम जी नॉट फेज कह रहे हैं. जी नॉट फेज का मतलब क्या है कि ये वो टाइम है जब सेल डिवाइड नहीं करेगा. अब आपके पास अल्लाह ताला ने तीन तरह के सेल्स दिए हैं. जो एक सेल है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है वो तो जी नॉट फेज में जाता ही नहीं, ठीक है. जो आपका सवाल है ना कि जी नॉट फेज में जाके परमानेंट क्यों हो जाता है, बेसिकली परमानेंट सेल की प्रॉपर्टी है कि वंस उसको सेल साइकिल से निकलता है, हट जाता है, तो उसके बाद वो दोबारा सेल साइकिल में जाने की उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है. आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं आपको मालूम है कि वो ग्रो नहीं कर सकते. आप एक्सरसाइज करके उनको फुला सकते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है. अगर आपके किसी भी एक्सीडेंट की वजह से आपके स्केलेटल मसल्स कट जाएंगे तो वो दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकते. बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल की प्रॉपर्टी हो गई कि दे कैन नॉट एंटर द सेल साइकिल, बिकॉज वंस जी नॉट फेज में से हटे तो उसके बाद वो हट ही गए हैं. अब वो दोबारा से, मतलब इवन वो जी नॉट फेज में भी नहीं है, वो खैर से बिल्कुल खत्म हो गया, वो टाइम ही खत्म हो गया. अब वो डिविजन हो ही नहीं सकती उनकी, ठीक है. तो ये मतलब स्ट्रक्चर, ये कभी भी सेल साइकिल में एंटर नहीं होंगे. अब आपके रह गए स्टेबल सेल्स. स्टेबल सेल्स का क्या है कि ये डॉर्मेंट कंडीशन में जी नॉट फेज में पड़े रहते हैं, इनको अप्रोप्रिएट स्टिमुलस मिलता है तो ये दोबारा से सेल साइकिल में आ जाते हैं. जब सेल साइकिल में आते हैं अपना काम कर लेते हैं, साइक्लिन प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं, खुद से ऑटोमेटिक नहीं काम कर सकते. जब साइक्लिन प्रोटीन का काम खत्म हो जाता है तो ये दोबारा से जी नॉट फेज में चले जाते हैं. समझ लो कि धक्का स्टार्ट है. एक बंदा है जो कि खुद ही भागे चला जा रहा है, दूसरा है, दूसरे को जो है आपको बाकायदा धक्का लगाना पड़ता है. जितनी देर धक्का लगाएंगे वो चलता रहेगा, जिसके बाद अब अगर धक्का लगाना बंद कर दिया वो खामोशी से बैठा रहेगा, ठीक है जी. तो आपकी जो स्टेबल सेल्स हैं वो, उनको जब तक पीछे से साइक्लिन प्रोटीन का धक्का मिलता रहता है वो सेल साइकिल में रहते हैं, और जैसे ही साइक्लिन प्रोटीन हटा दिए जाते हैं बॉडी से सेल वो जो आपकी जो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स को ऐसी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो अपने टाइम से, रोजाना के हिसाब से, या जितने भी टाइम उनका जो टाइम स्पैन है, जितने घंटों के बाद उन्होंने रीडिवाइड होना होता है, वो रीडिवाइड होते रहते हैं. आपका यही सवाल था? यस मैम, थैंक यू. बात क्लियर हो गई है? यस मैम. हाँ जी, किसी और के पास कोई क्वेश्चन है? बोलिए बेटा. अगर बोल नहीं सक रहे हो तो मैसेज पर टाइप कर दो. और देखो आपकी अगेन वो जो आप इस वक्त जो ये खामोशी छाई हुई ना, ये सिर्फ इस वजह से छाई हुई है कि आप लोगों ने जो है वो लेक्चर्स ठीक से देखे नहीं. अब अगर आप लोगों ने देखे हुए होते ना तो मुझे मालूम है मैंने ऐसे बहुत सारे लूप्स छोड़े थे कि यहाँ से आप लोग सवाल पूछोगे. मैंने वो पोर्शन लेक्चर में एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि अगर जब आप पूछोगे तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगी. क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा हुआ, इस वजह से आप लोगों के पास अभी वो सवाल नहीं आ रहे. अब आप बताओ मैं क्या करूं आप लोगों के लिए. कहीं ना कहीं आप लोगों का दिमाग भी तो चलना चाहिए ना. सब जब तक लेक्चर नहीं सुनोगे तब तक कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे दिमाग में. बोलिए. डिपोजिशन ऑफ कोलेजन का होती है स्केयर्ड में. जब स्केयर्ड के अंदर, बेटा माइक अपने मुंह के करीब करके बोलेंगी प्लीज, जरा सा मुझे आवाज कम आ रही है. यस मैम. मैम जब स्केयर फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर डिपोजिशन ऑफ कोलेजन हो जाती है, किलोइड फॉर्मेशन हो जाती है. जब ये किलोइड जो होते हैं ये ट्यूमर्स बन जाते हैं, ये फिर डेंजरस होते हैं बॉडी के लिए या नहीं होते डेंजरस से एक्सेसिव ग्रोथ से हो जाती है? देखो बेटा, स्कार के अंदर जो एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन के नतीजे में जो आपको कीलोइड बनता है, बेसिकली इट्स अ प्री कैंसरस कंडीशन, ठीक है जी. अगर तो गलती से भी कीलोइड को किसी किस्म का कोई
कोई नुकसान पहुंच जाए, कोई उसके पोर्शन को, एक छोटे से पोर्शन को भी कोई धक्का लग जाए, क्योंकि देखो मसला क्या है कि कीलोइड क्यों बन रहा है, क्योंकि आपकी जो फाइब्रोब्लास्ट है वो अपनी डोरमेंट पोजिशन पे गए नहीं, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो कि म्यूटेटेड फाइब्रोब्लास्ट है तो वो बेसिकली कैंसर फॉर्मेशन की क्या कहते हैं केपेबिलिटी रखते हैं। तो अब उसको कहीं से भी जरा सा भी धक्का लग जाए, मतलब इवन यहाँ तक अभी रिसेंटली मुझे एक खातून मिली थी, वो उनके साथ जो सीन हुआ था वो ये हुआ था कि वो 60% बर्न का केस था उनका। वो कोई नायलॉन के कपड़े पहन के किचन में काम कर रही थी, उनको आग लग पकड़ गई थी उनके कपड़ों में, तो उनका जो बॉडी थी फ्रंट ऑफ द बॉडी वो तकरीबन 60% बर्न हो गया था, ठीक है। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उनकी जान बच गई। उसके बाद उनकी जो है वो अच्छा खासा ट्रीटमेंट चला एक साल तक, और वो एक साल तक ट्रीटमेंट होने के बाद जो है उन खातून के जब स्कार भरने शुरू हुए, जख्म भरने शुरू हुए, तो उनके ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे 3 या 4 किलोइड्स बन गए। बाकी पूरी बॉडी में नहीं बने, लेकिन उनका जो ब्रेस्ट टिश्यू था उसके नीचे किलोइड्स बन गए। तो डॉक्टर ने उनको सख्ती से तीन काम करने के लिए मना किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो किसी भी किस्म का जो सपोर्ट होता है ब्रेस्ट को वो नहीं दे सकती वो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी किस्म का जो कॉटन का कपड़ा है इवन वो तक भी नहीं रख सकती हैं, क्योंकि अगर उसका कपड़े का जो कॉर्नर है वो उनके किलोइड को लगेगा तो किलोइड में ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरा उनको जो है किसी भी किस्म का खाना पकाने की इजाजत नहीं है, वो किचन में जाके गर्मी नहीं ले सकती क्योंकि उसकी वजह से उनकी किलोइड की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तीसरा ये कि वो घर में उठक बैठक करके जो भी काम करने होते हैं, जैसे झाड़ू पोछे का काम है जो उन्होंने सारी जिंदगी किया, वो कहती है मुझे उससे उन्होंने रोक दिया, क्योंकि उनका कहना ये है कि आप मूव करेंगी, आपकी बॉडी मूव करेगी, उसके नतीजे में आपके जो किलोइड है उसको बार बार फ्रिक्शन मिलेगी और उसके नतीजे में किलोइड की जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी, सही है। तो इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स ऑलमोस्ट अ कैंसरस कंडीशन एंड यू कैन नॉट जस्ट मतलब उसको ईजी नहीं ले सकते, उसको सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अगर जब भी कट लगेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके फाइब्रोब्लास्ट जो है वो अपने ग्रोथ फेज के अंदर ही है। बात समझ में आ गई सितारा? यस मैम समझ में आ गई। मैम मेरा एक और क्वेश्चन भी था जो रीजनरेशन साइकिल है उसमें जो साइक्लिंग प्रोटीन होती है वो पहले प्रोसेस में भी साथ कर रही होती है या दोबारा रीजनरेशन के लिए ही वो रिक्वायर होती है? बस रीजनरेशन के टाइम, मतलब एट द टाइम ऑफ जो रिपेयर का जो प्रोसेस है ना, सिर्फ उस टाइम पे जो है साइक्लिन प्रोटीन की डेवलपमेंट भी होती है, उसकी रिलीज भी होती है, और वो सेल साइकिल में स्टेबल सेल को सेल साइकिल में रखने के लिए रिलीज होता है। आपके कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स को साइक्लिन प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, माइंड यू, ठीक है। यस मैम, कोई और सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? तो फिर ऐसा है कि अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को यहाँ पे एंड करें। यस मैम।